काम देता हूं कभी 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 मतलब मैं मदन के अंदर रहता हूं बहुत सारा सुबह बात लेता हूं भाई हर वक्त अंदर अभी तक नहीं बैठा आज पर के लिए एक बार पास पे खड़ा रहा था यार उसका मौका बहुत मिला लेकिन क्या बोलते कि किस्मत में था नहीं चलो भाई मान सकते हैं हम अब माना कि मेरे पास कोई वर्ड गलत लिख दिया मैंने वर्ड को क्या कर दिया गलत लिख अब मेरे को हटाऊंगा तो पैराग्राफ पे नुकसान डिलीट करूं तो भी नुकसान अब करना क्या आपको उसकी जगह ट्राई जैसे कि ये वर्ड मैंने गलत लिख दिया क्या कर दिया गलत आपको क्या करना सेलेक्ट करना और स्ट्राइक प्रोसेस जैसे ही जाओगे इसके ऊपर एक लाइन आ जाएगी लाइन मार दे इसने आप कॉपी के अंदर लाइन करते हो कि ये गलत हो गया तो लाइन छोड़ लेकिन यहाँ पे भी लाइन इस प्रकार की इस सकते हैं तो आप इस प्रकार की इसको काट सकते काटने के बाद आप क्या करना ये गलत जो बढ़ने वाला क्या करें यहाँ पे बढ़ेगा उसके बाद ये छोड़ देगा और अगला बढ़ेगा यानी कि वो सोचेगा कि ये गलत क्या है गलत उसके बाद क्या करना यहाँ तक तो हो चुका है अब आता है आपके पास केमिस्ट्री गणित के फॉर्मूले गणित के और केमिस्ट्री के फॉर्मूले लिख लें जिसमें रासायनिक क्रिया आता है अब क्या करना जैसे ही मैंने यहाँ पर लिख दिया H2O H2O लिख दिया लेकिन यहाँ पर जो H2O लिखा हुआ आ रहा वो क्या सही है या गलत गलत है अब ये H2O क्या गलत है सही है तो कैपिटल बन जाएगा एच और ओ अब सही है गलत है गलत है यानी कि ये क्या बता रहा है कि H2O के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो दो है न कि हाइड्रोजन लेकिन यहाँ पर तो अपने H2O लिखना है लेकिन जो यहाँ पर इस प्रकार देखें तो इस O की मात्रा ज्यादा होता है आपने देखा होगा यहाँ दो लिखा हुआ था और अभी साइंस पढ़ी होती है दो गिना गिना जाता है ठीक है लेकिन हमको क्या चाहिए H2O के तो हम क्या करेंगे इसको सिलेक्ट करो टू को और सब स्क्रिप्ट पे क्लिक क्या नाम है इसका सब जैसे ही मैं सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करूंगा अब क्या सही है सही क्योंकि इसका आ गया एच के यानी कि आपको कोई भी टू नीचे लिखा किसी भी वर्ड के तो आप इस प्रकार लिख सकते हो अब मेरे को क्या करना है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर क्या ये सही है सही है क्या ये सही है नहीं तो हम क्या करेंगे इसके अंदर उपयोग करेंगे सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट नहीं सुपर यानी कि टू ऊपर लेके जाना है तो सुपर स्क्रिप्ट जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूं अब करना आपको सुपर स्क्रिप्ट जैसे सुपर स्क्रिप्ट क्लिक किया टू कहाँ चला गया सेम सेलेक्ट करो जिसको ऊपर पहुंचाना उसको सेलेक्ट करो ऐसा नहीं जिसको ऊपर पहुंचाना है सेलेक्ट कर दो और सेलेक्ट नहीं सर शूट कर दो हां शूट कर दो शूट कर सकते हैं इस प्रकार आप इसको शूट भी कर सकते हो ऊपर पहुंचाना है यदि नीचे पहुंचाना है तो शाम खींच दो काम खींचने की जरूरत होती है तो ये जो ऊपर है वो कहां आ जाएगा जैसे मैं काम खींची कहां आ गया नीचे ऊपर धक्का दिया मकान चला गया यानी कि इस प्रकार आप एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो एक्स टू भी लिख सकते हो लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं अब जैसे कि यहाँ पर कॉस्ट के ऊपर आ रहा वो कैसे लिखेंगे वो भी लिखना है वो लिख देते हैं अब क्या करना अब देखो कर्सर कहाँ पर कह रहा है कहाँ पर ऊपर जहाँ टू था वहाँ कैसे पता चला इससे पता नहीं चला कैसे पता चलेगा आपको देखना यहाँ पर हाईलाइट हो जैसे इसको मैं हटाऊंगा कर्सर बड़ा भी हो जाएगा और आइए यहाँ से जैसे यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया कोष्टक दे दिया क्या दे दिया कोष्टक यहाँ पर कोष्टक दे दिया और यहाँ पर मैंने क्या दे दिया कोष्टक अब यहाँ पर मेरे को टू लिखना है इसके पीछे अब टू मैं ऊपर लिखना चाहता हूँ लेकिन लिखा हुआ कहाँ पे आ रहा फिलहाल नीचे मतलब इसी की लाइन के अंदर आ रहा है लेकिन मेरे को क्या करना है इसको ऊपर पहुँचाना है कहाँ पहुँचाना है ऊपर तो आपको क्या करना सिर्फ सिलेक्ट करना
और सुपर स्किन क्लिक कर दो सुपर कर दो ऊपर तो पहुंचा ले तो इसको बना कर दिख मिल जाओगे तो मजा आ जाएगा इसको पहुंचाना है ठीक है तो इसको जाकर बोलना कि सर हम किसी को ऊपर पहुंचाएंगे तो कैसे सुपर स्किन इसके द्वारा सुपर स्क्रिप्ट के द्वारा ये रहता सुपर ये रहता सर सब यानी सब चाहिए सुपर यानी सुपर है ना सुपर सुपर ये हो होता है ठीक है अब क्या करना है ये पैराग्राफ है आपके पास क्या है पैराग्राफ इसके अंदर मेरे को इफेक्ट देना है बढ़िया बड़े इफेक्ट देने तो पहले मैं क्या करता हूँ आई बढ़ा देता हूँ उसकी बड़े बड़े कर दूंगा बड़े बड़े कर दिए तो पहले इफेक्ट उसको मैं एक बार हटा देता हूँ इफेक्ट हटा दिए अब मैं वापस उसको क्या कर देता हूँ बड़ा कर अब इस वर्ड के अंदर मेरे को क्या करना है अलग अलग इफेक्ट जैसे कि आगे टेक्स्ट इफेक्ट या वाला था फॉन्ट वाला ये रहता है आपके टेक्स्ट इफेक्ट जैसे इस साइड में आइकन इसके क्लिक करूंगा तो इसके अंदर बहुत सारे इफेक्ट दे रहे हैं ये पूरे के पूरे इफेक्ट आपके इसके अंदर आएंगे वापस इसमें आएंगे इसके अंदर उसके बाद ये इफेक्ट वापस यहाँ पर आएंगे ध्यान से पढ़ना नहीं तो वापस पूरा सिर्फ आगे तो क्या करेंगे यहाँ पढ़ा हुआ ये करोगे ये ध्यान रखना यहाँ पर आएगा वर्ड आर्ट में तो भी देख लो यहाँ पर भी इसमें क्लिक किया सेम दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी क्लिक करो तो भी क्या कर रहा है सेम दिखाई दे रहा है यानी कि यहाँ पर तीन चार ऑप्शन टेक्स्ट है सिर्फ नाम के हिसाब से वहाँ पर डायरेक्ट ऑप्शन दे यानी कि जैसे हम होम कंप्लीट करेंगे और इंसर्ट में जाएंगे इस इंसर्ट के अंदर तो आपका होम और इंसर्ट दोनों साथ में काम करेंगे होम और इंसर्ट दोनों साथ में काम करेंगे यहाँ पर तो अकेले अकेले चलेंगे लेकिन आगे जाएंगे तब होम और ये दोनों काम साथ में अब क्या करना है जिस पैराग्राफ के अंदर इफेक्ट देना उसको सेलेक्ट करो और जो इफेक्ट यहाँ से देना वो दे दो यहाँ पर देखो सिंपल दिखाई दे रहा सब और यहाँ पर नीचे नाम दिखाई दे रहा आपको दिखाई दे रहा है लेकिन ये और ये तीनों चारों सेम है अलग नहीं किया देखो ये फर्स्ट है ये आउट नहीं पड़ा सेकेंड है थर्ड ओवर थर्ड है रिफ्लेक्शन मतलब ऐसे भी होगा ठीक है ये मतलब मिक्स भी दिया होगा सब और अलग भी नाम दे रखा अगर नाम से भी करोगे तो कोई दिक्कत नाम से करोगे तो क्या होगा इसमें 3D भी कर सकते क्या कर सकते हैं 3D में भी कर सकते अब सबसे पहले हम क्या करें इसको हमने कोई भी फॉर्मेट यहाँ से सिलेक्ट करो जैसे कि ये भी कर देता हूँ अब आप वर्ड को देखना इनसे अलग दिखाई दे रहे हैं यानी कि कोई भी इफेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते अब इसको मेरे को थोड़ा सा करना है 3D के लिए तो आप सिलेक्ट करो इसके अंदर जाओ और जो आउटलाइन है इसके अंदर जाओ और आपको क्या करना है ये तो रहता आपकी आउटलाइन लेकिन मेरे को 3D में करना तो आपका रहेगा रिफ्लेक्शन और ग्लो और शेड जैसे इसमें जाएंगे तो यहाँ पर मोर ऑप्शन दिखाई दे रहा है सेट ऑप्शन ठीक है यानी कि जैसे इसके भी जाएंगे तो बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑप्शन आएंगे जिसमें रहेगा आपके लिए वाला इसमें कौन सा चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो 3D चाहिए यहाँ से 3D करो और यहाँ से आपको 3D का भी ऑप्शन दे सकते हो तो आपको ये चाहिए और बॉटम में मेरे को कौन सा चाहिए कोई भी ले लो जो आपको पसंद है और अगर तो कलर चाहिए कलर सेलेक्ट नहीं करना तो आप ये कर दो और ओके अब आपको पता ही चलेगा कि 3D है या फिर नॉर्मल कैसे पता चलेगा इसको जूम करो क्या करो इसकी साइज को क्या करो बड़ी कर देगा बहुत बड़ी अब आपको दिखाई दे रहा है थोड़ा उभरे हुए वर्ड दिखाई दे रहे हैं यानी कि ऊपर ऐसा लग रहा है कि बड़ो है मोबाइल बैट कर तो आपको बड़ो नहीं लगा तो सेम ये है देखिए इस प्रकार ये वर्ड बनेंगे इस प्रकार भी बना सकते हो और जो चाहो जैसे भी आप वर्ड को बना सकते हो आपको बनाना आना चाहिए अब आपको दिखाई दे रही है वाले इसमें और इसमें कितना ये अलग वर्ड दिखाई दे रही है अलग से और ये वाले मतलब आप किसी भी प्रकार भी 3D में बना सकते हो अगर 3D में चाहे नॉर्मल बना सकते नॉर्मल कैसे बनाएंगे वापस आप जब यहाँ पर सेट हो के अंदर और यहाँ से वापस हटा दो जैसे 3D था 3D हटा दो और कर दो टेक्स्ट आउटलाइन कर बस नॉर्मल सॉलिड कर दो सॉलिड और आप जब यहाँ पर सेट हो कर दो तो आप अगर 3D चाहिए तो कर लो नहीं चाहिए तो आपका कोई सिंपल सा ले लो पसंद ही यही है अब कर दो आप लो तो वो हो जाए अगर आपका अच्छा है आगे से यानी जो फॉर्मेट चाहिए उसको क्लिक करना जो फॉर्मेट आपको चाहिए उसको क्या करना है जैसे जैसे इसको सिलेक्ट किया यहाँ जाओ और रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन यानी कि उसका छाया जैसे कि यहाँ पर
फॉन्ट का कलर चेंज कर, जो आपने पढ़ी था उसका
कर लो भैया। अगला टॉपिक आता पहले का, ये पढ़ेगा।